आना जाना था उनका, सुबह 8 से शाम को 8 नाटीपुर कंपनी में। अभी शाम को कभी 8 बजे के आसपास मेरे को खबर लगी कि उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो मैंने उनके नंबर को कॉल किया, किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर बाद जो भैया यहाँ से उठा के लेके गए थे ना, मनोज करके नाम लिया हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने मेरे को रिटर्न कॉल किया, उन्होंने बताया वो रोजी जी एक्सीडेंट नहीं हो गया है और मैं अरविंदो लेके आया हूँ। मैं वापस अरविंदो पहुँचा हूँ, अरविंदो पहुँचा वहाँ मैंने पता किया, मैंने डॉक्टरों ने मतलब उनको बोला कोशिश कर दिया, लेकिन बाद में जब यही साहब पहुँचे यहाँ से उन्होंने बोला गोभी गोभी देखी गई, अब तो उसके पीछे पीठ पर घाव। आपके यहाँ पे कब से रह रहे हैं वो? मेरे यहाँ पे तो करीब 10-12 साल से रह रहे हैं। क्या क्या काम काज करते थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मुल्ताई बहराइच जिले के। किसी से कोई विवाद पुराना? नहीं, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। अच्छा, जिसने कुछ मारा उसके बारे में जानकारी लगी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा, आपको सिर्फ इतना ही मिला कि उनकी मौत हो गई? हाँ, बस इसलिए मैं आया था, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से यहाँ आया, थाने आया, बाकी पुलिस छानबीन कर रही है। कहाँ पे रहते थे? कॉलोनी का नाम क्या? लक्ष्मीपुरी कॉलोनी। आपका नाम बताइए। शिव शंकर तिवारी। बाणंगा थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया गया है अरविंदो अस्पताल। सूचना मिलते से ही बाणंगा पुलिस वहाँ पर अरविंदो अस्पताल पहुँची और व्यक्ति खत्म हो चुका था। डॉक्टर से और पूछताछ करने के बाद उसमें थोड़ा छानबीन करने का पता चला कि उसको ये चाकू के बाद पीठ पे पाए गए घायल व्यक्ति हैं, जो फिर बाद में थोड़ी देर बाद जैसे कि मैंने बताया कि वो खत्म हो चुका था। प्रारंभिक अभी जो जांच में भी तथ्य सामने आया है कि उस व्यक्ति का नाम देशराज सिंह भदौरिया है, जो नॉटी फूड्स करके बाणगढ़ी क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी आइटम्स की कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। और वहाँ पर से आज वो 8 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके निकला था। उसके बाद से कुछ जो लोग उसको जो वहाँ पर भर्ती कराए हैं वो सर्वे में कराए थे कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी प्रारंभिक जांच पर फिलहाल हमें इतना पता चला, बाकी हमने टीम्स को अन्य कार्य में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया गया और हम इसमें छानबीन में जुटे हुए। सर, कुछ आसपास वाले लोगों ने बताया? हम लोग उस तथ्य को भी देख रहे हैं, अभी टीम्स गई हैं, जितने भी जो लोग हैं चश्मदीद हैं, जो कैमराज हैं या फिर जो अन्य उसके जो मोबाइल है वो सब हम छानबीन कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस सबको कर रहे हैं। ठीक है।